बात कर लेते हैं दंतेवाड़ा के। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 30 उम्मीदवारों को चुनावी समर में उतार दिया है। वहीं दंतेवाड़ा विधानसभा की बात अगर की जाए तो पार्टी ने यहां देवती महेंद्र कर्मा को के पुत्र छविंद्र कर्मा को टिकट दिया है। छविंद्र को टिकट दिए जाने से पार्टी में खासकर युवा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। टिकट घोषणा के बाद नवरात्र के पहले दिन शाम को जब दंतेवाड़ा नगर में छविंद्र का आगमन हुआ तो कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। छविंद्र कर्मा को टिकट मिलने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अवधेश गौतम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कि आपने फिर एक बार कर्मा परिवार पर विश्वास किया है, आपका ये जो विश्वास है इस पे हम लोग पूरा तरह उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और आप सभी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग शुरू से ही हमारा परिवार काम करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। अब दो बार मैं लड़ी हूँ, हमारे कर्मा जी नहीं है तो दो बार मेरे को टिकट दिया और दो बार से मैं बहुत अच्छा जनता के लिए करी और अभी बेटा को मैं दी हूँ। अब बेटा तो और बेटा के साथ साथ सभी परिवार पूरे जनता बहुत अच्छा से करेंगे और जिता के लाएंगे। परिवार जो है आज़ादी के बाद से लगातार जनता की सेवा करता रहा है। अब माननीय महेंद्र कर्मा जी के नेतृत्व में कई सारे जो क्षेत्र की समस्याएं थी उनको कर्मा जी ने लड़ा और कर्मा जी के प्रति जनता का कर्मा परिवार के प्रति जनता का बहुत बड़ा विश्वास है।